नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वापस आ गए एक बहुत ही कमाल का टॉपिक लेके, और आज मैं आपको तीन ऐसे मेट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपना कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत हद तक इंप्रूव कर सकते हो। ये जो तीन मेट्रिक्स है ना, वो एक्चुअली में तीन फीडबैक लेने का तरीका है, और इसी फीडबैक को हम एज अ मेट्रिक्स भी इस्तेमाल करते हैं, और उसी मेट्रिक्स के हिसाब से हम अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन सभी बिजनेसेस के लिए, चाहे वो छोटे बिजनेस हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, जिनको भी अपना कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना है ना, वो इस वीडियो को जरूर देखें। मैं आपको तीनों मेट्रिक्स बता देता हूं। सबसे पहला है नेट प्रमोटर स्कोर, दूसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर, और तीसरा कस्टमर रेफर स्कोर। नेट प्रमोटर स्कोर और कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपको डिटेल में समझना है दोनों मेट्रिक्स को, तो आप उसको वीडियो जरूर देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको तीन मेट्रिक्स दिए, ये सबसे जरूरी तरीका है फीडबैक लेने का, और ये सारे फीडबैक्स का बाप है, क्योंकि आप जितना भी कस्टमर से फीडबैक लेते हो ना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं तीन पार्ट के अंदर होता है। और वही चीज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, और कैसे आप इन मेट्रिक्स को स्कोर में भी डिफाइन करोगे उसको भी मैं आगे इस वीडियो में कवर करूंगा। तो आप इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे। जो हमारा सबसे पहला मेट्रिक्स है वो है नेट प्रमोटर स्कोर। नेट प्रमोटर स्कोर आपको ये बता देगा कि आपके बिजनेस में से कितने कस्टमर है जो आपके ब्रांड से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, और वो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। आपको उनसे सिर्फ एक कॉमन सा सर्वे लेना है, उनसे ये पूछना है कि आप हमें 0 से 10 के बीच रेट कीजिए कि आप हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में कितना ज्यादा रिकमेंड करेंगे। जो कस्टमर आपको 9-10 रेटिंग देगा ना, ये होता है आपके प्रमोटर, यानी ये वो लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को बिल्कुल प्रमोट करेंगे। जो आपको 7-8 रेटिंग देंगे ना, ये वो लोग होता है जो आपके ब्रांड को ना ही प्रमोट करेंगे, ना ही आपके ब्रांड के बारे में कुछ नेगेटिव बोलेंगे, यानी ये एकदम न्यूट्रल होते हैं, इनको हम लोग पैसिव्स बोलते हैं। और वही जो आपको 0 से 6 के बीच रेट करेंगे ना, ये होता है आपके डिट्रैक्टर। डिट्रैक्टर मतलब ये वो लोग हैं जो आपके ब्रांड को प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन आपके ब्रांड के बारे में नेगेटिव बहुत ज्यादा बोलेंगे। ये लोग आपके अनसेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं। तो आपका नेट प्रमोटर स्कोर कैसे निकलेगा, तो जितने भी आपके डिट्रैक्टर है उनको अपने परसेंटेज ऑफ प्रमोटर से माइनस कर दीजिएगा, तो आपका नेट प्रमोटर स्कोर निकल जाएगा। सपोज कीजिए कि 100 लोगों ने आपके सर्वे फॉर्म को भरा, उनमें से 60 ऐसे लोग हैं जो आपको 9-10 रेटिंग दे, यानी ये हुए आपके प्रमोटर, और 20 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको 0 से 6 के बीच रेट किया है, तो ये हुए आपके डिट्रैक्टर। तो परसेंटेज क्या निकला, 60% और प्रमोटर और 20% डिट्रैक्टर। तो 60% माइनस 20% करेगा तो आपका नेट प्रमोटर स्कोर कितना आ जाएगा, 40 का। ये निकला आपका नेट प्रमोटर स्कोर। अब सिर्फ नेट प्रमोटर स्कोर निकालने से ना कुछ नहीं होगा, आपको कस्टमर से ये भी पूछना है कि उन्होंने आपको ऐसा स्कोर क्यों दिया। अगर किसी कस्टमर ने आपको 9-10 स्कोर दिया, तो आप उनसे ये पूछिए कि ऐसे क्या रीजन थे जिन्होंने, जिसके कारण से उन्होंने 9-10 स्कोर दिया। अगर कस्टमर आपको 0 से 8 के बीच स्कोर दे रहा है, तो उनसे आप ये पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों स्कोर दिया। तब कस्टमर आपको इलाबोरेट करके समझाएगा कि ये कारण थे जिसके कारण से मैंने आपको 0 से 6 या 8 के बीच आपको रेट किया, और ये कारण थे जिसके कारण से मैंने आपको 9-10 रेट किया। इस तरीके से हर कस्टमर आपको इंडिविजुअली आपको फीडबैक देगा। ये फीडबैक आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसी फीडबैक के आधार पे आप अपने बिजनेस को ना और अच्छे तरीके से इंप्रूव करोगे। अगर प्रोडक्ट में खराबी है तो कस्टमर आपको फीडबैक देगा, उसी फीडबैक के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकते हो, तब जाके आपका नेट प्रमोटर स्कोर बढ़ेगा। इसी कारण से हमें इस मेट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए। इवन आपको इस नेट प्रमोटर स्कोर को ना एकदम बारीकी से ट्रैक करना है, हमेशा इसे ट्रैक करते रहना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका नेट प्रमोटर स्कोर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन को ये दिमाग में आपको बैठा देना है कि हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हमारा कस्टमर कैसे हमसे खुश रहे। जितना आपके पूरा जो आपको पूरा टीम है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक गोल के पीछे चला जाएगा कि हमें कस्टमर को खुश रखना है, आपका नेट प्रमोटर स्कोर ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। इसीलिए आपको कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनानी पड़ेगी अपना। एक्सपर्ट्स के हिसाब से जिस कंपनी का नेट प्रमोटर स्कोर 70 से ज्यादा होता ना, वो कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करती है, क्योंकि इनके बिजनेस में प्रमोटर बहुत ज्यादा, यानी ऐसे कस्टमर बहुत ज्यादा जो उनके ब्रांड को, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विस को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, वो कंपनीज बहुत तेजी से स्केल करती है और ग्रो करती है। आपको कुछ कंपनीज का नेट प्रमोटर स्कोर बता देता हूँ, जैसे नेटफ्लिक्स का नेट प्रमोटर स्कोर है 64, पेपैल का 63, देन अमेजोन का 54, गूगल का 53 और एप्पल का 49। तो ये कुछ टॉप कंपनीज है और उनका नेट प्रमोटर स्कोर है। वैसे ही आपको अपना नेट प्रमोटर स्कोर बाय इंडस्ट्री फाइंड कर लेना है, यानी आपके इंडस्ट्री का नेट प्रमोटर स्कोर ऑन एन एवरेज कितना है। यहाँ पे मैं आपको कुछ लिस्ट दे दे रहा हूँ, आप फाइंड कीजिए कि आप कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और उसका एवरेज नेट प्रमोटर स्कोर कितना है उस इंडस्ट्री का। देखिए, अगर इंडस्ट्रीज का जो नेट प्रमोटर स्कोर है उससे अगर आपका नेट प्रमोटर स्कोर ज्यादा है ना, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कम है तो आपको अपने कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट
मैट्रिक्स है, आपको इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। जो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर में क्या है कि आप कस्टमर से डायरेक्ट एक सर्वे लेते हो और उस सर्वे से आपको ये पता चल जाता है कि आपके ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जो आपके ब्रांड से, आपके प्रोडक्ट और सर्विस से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। यहाँ पे जो आप सर्वे ले लोगे ना वो आप हर टच पॉइंट पे ले सकते हो। अगर आपका कोई लीड सेल में कन्वर्ट हुआ तो उनसे आप सेल्स एक्सपीरियंस का सर्वे ले सकते हो, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का सर्वे ले सकते हो, कस्टमर सपोर्ट से अगर वो कनेक्ट करता है उसके बाद आप उनसे सर्वे ले सकते हो। तो आपको सर्वे में उनसे केवल एक सवाल पूछना है कि आप हमें 1 से 5 के बीच रेट कीजिए कि आप हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस से या अगर सेल्स एक्सपीरियंस से या फिर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से कितना ज्यादा सेटिस्फाइड है। अगर कस्टमर आपको 1 रेटिंग दे रहा है मतलब वो वेरी डिससेटिस्फाइड है, अगर कस्टमर आपको 4 या 5 रेटिंग दे रहा है इसका मतलब वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है या वेरी सेटिस्फाइड है। तो आपका ये स्कोर कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्डेड इनटू 100। सेटिस्फाइड कस्टमर कैसे निकलेंगे, जो आपके 4 या 5 रेटिंग दे रहे हैं वो होते हैं आपके सेटिस्फाइड कस्टमर। सपोज कीजिए कि 100 लोगों ने आपको रेस्पॉन्स किया, उसमें से 70 लोग आपके को 4 या 5 रेटिंग दे रहा है, तो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर कैसे कितना निकलेगा, 70 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, यानी आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर निकलेगा 70% का। अब ये जो आपका सेटिस्फेक्शन स्कोर निकला ना, ये काफी नहीं है, आपको कस्टमर से एक और सवाल पूछना अपने सर्वे में कि आपने हमें जो रेटिंग दिया वो आपने हमें क्यों दिया। अगर कस्टमर आपको 2 रेटिंग दे रहा है तो आप उनसे पूछिए कि आपने हमें 2 रेट क्यों किया, तब आपको कस्टमर इलाबोरेट करके समझाएगा कि ये कारण थे मैंने आपको 2 रेट किया। अगर कस्टमर आपको 5 रेटिंग दे रहा है तो आपको वो पूरा एक्सपीरियंस बताएगा, सब कुछ बताएगा कि उन्होंने आपको 5 रेटिंग क्यों दिया। अब ये जो फीडबैक है ना, इसी फीडबैक के जरिए आप अपना कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर पाओगे, अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, जिस चीज के लिए आप उनसे सर्वे ले रहे हो। अगर सेल्स एक्सपीरियंस के लिए अगर आप उनसे सर्वे ले रहे हो उसको आप इंप्रूव कर पाओगे, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए रहे हो तो उसको इंप्रूव कर पाओगे, कस्टमर सपोर्ट के लिए ले रहे हो तो उसको आप इंप्रूव कर पाओगे। इसीलिए आपको अपना सर्वे को कम से कम 2 पार्ट में बनाना है। वैसे ही ये जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर है आपको हमेशा इसे ट्रैक करना है, इसको आप पाई चार्ट के अंदर डाल दीजिए, देखिए कितने आपके सेटिस्फाइड कस्टमर है, कितने वेरी सेटिस्फाइड है, कितने न्यूट्रल है, कितने अनसेटिस्फाइड है और कितने वेरी अनसेटिस्फाइड है। आपको क्या करना है कि आपको वेरी सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड का नंबर को बढ़ाना है, आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। आपको बगल में एवरेज मिल रहा है इंडस्ट्री का कि हर इंडस्ट्री का ऑन एन एवरेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर कितना है, अगर आपका कंपनी का सीसैट स्कोर यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर इंडस्ट्री से ज्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर कम है तो आप उसे इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा जो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर है ना, ये आपको अपने कस्टमर का एक्सपेक्टेशन फाइंड करने में मदद करेगा। कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था वो आपको फीडबैक के जरिए बहुत ही आराम से मिल जाएगा। आप कस्टमर के पेन पॉइंट्स को समझ जाओगे, क्यों कस्टमर आपको कम रेटिंग दे रहा है, उस पेन पॉइंट को अगर आपने समझ लिया ना, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को इंप्रूव करोगे, अपने बिजनेस प्रोसेसेस को इंप्रूव करोगे, आपका सेटिस्फेक्शन स्कोर ऑटोमेटिक इंप्रूव होगा। इवन आप अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को भी इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि कस्टमर से आप हर टच पॉइंट का सेटिस्फेक्शन सर्वे ले रहे हो तो आप हर टच पॉइंट का एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर सकते हो। और सबसे जरूरी कि आप अपने हर कस्टमर को ना बहुत ही बारीकी से समझ लोगे सेटिस्फेक्शन सर्वे के जरिए। इसलिए आप सेटिस्फेक्शन सर्वे कस्टमर के लाइफ साइकिल खत्म होने के बाद लीजिए, यानी अगर कस्टमर लीड से सेल में कन्वर्ट हुआ तो आप उसका एक लाइफ साइकिल खत्म हुआ तो आप उसे उस समय सर्वे लीजिए। कस्टमर सपोर्ट से अगर वो बात खत्म किया है उसके बाद उनसे सर्वे लीजिए, इससे क्या होगा कि कस्टमर आपको रेट कर पाएगा। इवन आप उनसे रिन्यूअल से पहले सर्वे ले सकते हो, अगर कस्टमर का कोई प्रोडक्ट 2 महीने के बाद एक्सपायर कर जाएगा तो आप उनसे उस समय सर्वे लीजिए 2 महीने पहले ही। इससे क्या होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर कस्टमर आपको अच्छा रेट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो आपसे प्रोडक्ट रिन्यू करवा लेगा, लेकिन अगर कस्टमर आपको खराब रेटिंग दे रहा है, 1-2 रेटिंग दे रहा है तो चांसेस आर हाई कि वो आपसे रिन्यू नहीं कराएगा। तो आप उनसे वो फीडबैक के जरिए आप अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कीजिए, चांसेस आर हाई अगर आप प्रोडक्ट इंप्रूव कीजिएगा तो वो आपसे रिन्यू करवा लेगा। और तीसरा क्या है कि आपको उनसे कोई भी कस्टमर सपोर्ट या फिर एजुकेशनल इंटरेक्शन के बाद लेना है। कस्टमर सपोर्ट तो मैंने बताया, एजुकेशनल इंटरेक्शन क्या है कि आप बहुत सारे ब्लॉग्स में देखते होंगे कि ब्लॉग पढ़ने के बाद नीचे में ऑप्शन आता है वाज दिस आर्टिकल हेल्पफुल, यस और नो। अगर आपने नो दिया यानी आप सेटिस्फाइड नहीं है, यस दिया यानी आप सेटिस्फाइड है, तो इस तरीके से आप सेटिस्फेक्शन सर्वे ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे और अपना कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर को क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स आते हैं जिससे आप अपना सर्वे क्रिएट कर सकते हो या फिर आप गूगल फॉर्म के जरिए भी ये सर्वे को आप क्रिएट कर सकते हो। तो आपको इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारा तीसरा मैट्रिक्स है वो है कस्टमर एफर्ट स्कोर। कस्टमर एफर्ट स्कोर आपको ये फाइंड करने में मदद करता है कि आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में कितना ज्यादा एफर्ट करना पड़ा।
यहाँ पे आप उनसे डायरेक्ट सर्वे करते हो और आप उनसे ये पूछते हो कि आप हमें 1 से 10 के बीच रेट कीजिए कि आपको हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस को इस्तेमाल करने में कितना मेहनत लगा, या फिर आप ये पूछ सकते हो कि आपको हमें 1 से 10 के बीच रेट कीजिए कि आप आज आपको हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना मेहनत लगा। अगर कस्टमर आपको 1, 2, 3 रेट कर रहा है तो इसका मतलब उसे बहुत ही आसानी से उसने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अगर वो आपको 8, 9, 10 रेट कर रहा है इसका मतलब क्या, उसको बहुत ज्यादा मेहनत लगा अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आपका ये कस्टमर एफर्ट स्कोर कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल कस्टमर रेटिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस इनटू 100। सपोज कीजिए कि 100 लोगों ने आपको रेस्पॉन्स किया और उनका जो टोटल रेटिंग का जो सम आया वो आया 400, तो आपका कस्टमर एफर्ट स्कोर कितना निकलेगा, 400 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 4, यानी आपका कस्टमर एफर्ट स्कोर आया 4 का। तो कस्टमर एफर्ट स्कोर निकालने से आपका कुछ नहीं होगा, आपको कस्टमर से ये भी पूछना है कि अगर कस्टमर आपको 8, 9, 10 रेट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, अगर वो आपको 1, 2, 3 रेट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। इसीलिए आपको सर्वे के सेकंड पार्ट में उसे ये पूछना है कि अगर कस्टमर आपको 1 से लेके 4 या 5 रेट कर रहा है तो आप उनसे पूछिए कि ऐसे क्या कारण था जिस कारण से आपको हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में आसानी हुई। यही अगर वो आपको 6 से 10 रेट कर रहा है तो आप उनसे पूछिए कि ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण से आपको हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में ज्यादा मेहनत लगा। तब कस्टमर आपको इलाबोरेट करके बताएगा और वो तब आपको अच्छा रियल फीडबैक देगा कि वो क्या स्पेसिफिक कारण थे जिसके कारण से उनको ज्यादा एफर्ट करना पड़ा। तब आपको उस पर्टिकुलर रीजन को फाइंड करना है, उसके रूट कॉज में जाके आपको उसको ठीक करना है, तब आपका ये एफर्ट स्कोर अच्छा होगा। इसीलिए आपको हमेशा अपना एफर्ट स्कोर को ट्रैक करना है। याद रखिएगा, अगर आपका एफर्ट स्कोर 3 या 4 से कम आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसको हमेशा ट्रैक करते रहिए। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपना कस्टमर एफर्ट सर्वे लोगे कब। सबसे पहले तो आप उनसे परचेस के बाद लीजिए, जब भी प्रोडक्ट वो परचेस करे, कस्टमर आपका परचेस करे, उसके बाद उनसे एफर्ट सर्वे ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के टाइम कितना एफर्ट करना पड़ रहा है। जितना आपका ये एफर्ट स्कोर इस समय कम होगा, आपका कन्वर्जन उतना ज्यादा होगा, आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि जब भी कस्टमर अकाउंट साइन अप कर ले उसके बाद भी आप उनसे एफर्ट सर्वे ले सकते हो। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कस्टमर को आपके वेबसाइट में अकाउंट बनाने के टाइम उनको कितना मेहनत करना पड़ रहा है, इससे आप अपना अकाउंट साइन अप के टाइम भी उस प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हो। तीसरा, आप कस्टमर सपोर्ट के बाद भी उनसे सर्वे ले सकते हो। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर कस्टमर को कोई भी ग्रीवेंसेस आ रहा है उसको सॉल्व करने में उसे कितना मेहनत लग रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे आपको कस्टमर से एफर्ट सर्वे लेना है। तो ये थे हमारे 3 मेट्रिक्स जिससे आप अपना कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। इसी के साथ हमारे वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं जो मैंने आपको इस वीडियो में 3 मेट्रिक्स बताया है, नेट प्रमोटर स्कोर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर और कस्टमर रेफर्ट स्कोर, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने इस 3 मेट्रिक्स को ट्रैक कर लिया और अगर आपने इसे एक बार इंप्रूव कर लिया ना, तो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस का बहुत तेजी से इंप्रूव करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है। अगर आपको अपना कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना है ना, तो आप इन 3 मेट्रिक्स को अगर आपने अच्छा कर लिया, आपका कस्टमर एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसीलिए इस मेट्रिक्स को आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपने बिजनेस में और अपना कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना चाहिए। वीडियो फॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पे मैं डेली कंटेंट डाल रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सर्च एड में इस तरीके का और भी पावरफुल कंटेंट लाता रहूँ। और आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, वीडियो स्क्रॉल कीजिए, देखिए वहां पे मैंने बहुत सारे पावरफुल बिजनेस कंटेंट डाला है। उस वीडियो को देखिए जो आपके काम का है, उस वीडियो को देखिए और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए, या फिर आप इन्फॉर्मेशन लीजिए, आपको दोनों से फायदा है। आपने इस पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए।